नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जहाँ भी होंगे बहुत ही अच्छा होंगे। फ्रेंड तो मैं हूँ राजकुमार और आप देख रहे हैं राज दुनिया यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड यहाँ पे जो है ना वाइटनर से OMR भरा तो नहीं होगी कॉपी जांच। तो यहाँ पे है ना जो परीक्षा के लेकर के यहाँ पे गाइडलाइन जो कि बिहार बोर्ड ने जारी कर दिया। फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे तो गाइडलाइन यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो आप लोग को जो वीडियो बनाना है वीडियो फुल देखना है, वीडियो कहीं भी इसकी मत कीजिए फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए हम चलते हैं, आपको पूरा जानकारी समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए व्हाइटनर ब्लेड का इस्तेमाल OMR पर ना करें और जेल पेन से OMR शीट को नहीं भरे। अगर कोई छात्र यह गलती करेगा तो उनके कॉपी जांच नहीं हो पाएगी क्योंकि कंप्यूटर ऐसे OMR शीट को स्वीकार नहीं कर पाएगा फ्रेंड। तो OMR शीट जो होता है ना कंप्यूटर से चेक होता है फ्रेंड, तो उसमें जो है ना सो नहीं उसमें कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो उसमें नहीं पकड़ता रहता है। तो उसमें गलत आपको जो कि कॉपी चेक नहीं हो पाएगा, आपका नंबर कुछ नहीं मिलेगा, 0 आ जाएगा और आप मुँह ताकते रह जाइएगा। तो इस मतलब गलती आपको नहीं करना है, नहीं तो आप मुँह फिर ताकते रह जाइएगा, आपको फेल कर दिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पे बिहार बोर्ड ने लिख दिया है यहाँ इस पेपर में, ठीक है। तो मैट्रिक और इंटर वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को स्कूल द्वारा यह निर्देश दिया जा रहा है कि इसको लेकर दूरदर्शन पर छात्रों की परीक्षा टिप्स के तौर पर जानकारी। तो ये सब फेल हो गए हैं फ्रेंड। तो ज्ञात द्वारा मैट्रिक और इंटर प्रश्न पत्र पर OMR शीट पर व्हाइटनर ब्लेड और यहाँ पे इरेजर जेल पेन आदि की जानकारी दी जाती है और छात्रों को पढ़ने का निर्देश दिया जाता है। ज़्यादातर छात्रों उसे पढ़ते नहीं हैं। देखिए निर्देश तो ज़्यादातर सही में स्टूडेंट लोग नहीं पढ़ता रहता है के समझ लेना चाहिए। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर देने में छात्रों को अक्सर ब्लेड व्हाइटनर और जेल पेन का इस्तेमाल करते हैं। इससे छात्रों को नुकसान होता है और उनके OMR की जो है ना जांच कंप्यूटर पर करने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो यही सब है पूरा और यहाँ पर हम देख सकते हैं आपको बिना निर्देश पढ़े उत्तर देना करते हैं शुरू। तो बिना निर्देश पढ़े उत्तर देना करते हैं शुरू। तो आपको निर्देश पढ़ लेना है कि प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया जाता है, लेकिन उस दौरान छात्र प्रश्न पत्र पढ़ने के बदले वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने लगते हैं और उसको जो कि मन होता रहता है कि कब प्रश्न देख ले अच्छा से, मतलब कौन आ जाए और बनाने लगते हैं, पढ़ते नहीं फ्रेंड, वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। एक दिन मेरे से भी प्रॉब्लम हो गया था, जो कि हम पार्ट टू का मेरा एग्ज़ाम चल रहा था उसमें से जो कि हम निर्देश नहीं पढ़े थे फ्रेंड, आपको हम बता दें, उसमें से जो कि 100 ऑब्जेक्टिव था उसमें से 80 बनाना था, लेकिन मैंने 100 ऑब्जेक्टिव बना दिया तो उसमें जो क्या ना सो यहाँ पे गलत हो गया। मैंने उसमें से ओनली 80 बनाना था लेकिन मैंने क्या बना दिया था 100 के 100 और निर्देश में पढ़ा नहीं। तो उसमें जो कि बोला गया था कि सिर्फ ब्लैक पेन का उपयोग करें, लेकिन हमने जो है ना पढ़ा ब्लू पेन का उपयोग कर लिया। उसमें जो कि सिंपली जो कि हमारे ये क्या बोलते हैं एडमिट कार्ड में भी और वहाँ पे पेपर में भी यहाँ दे दिया था कि सिर्फ ब्लैक पेन का प्रयोग करें। तो हम नहीं पढ़े तो हमसे वो बहुत बड़ा वहाँ पर गलती हो गया था फ्रेंड। तो निर्देश पढ़ना जो कि बहुत ही बड़ा यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं तो बहुत ही बड़ा गलती करते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने लग जाते हैं और इससे वो निर्देश नहीं पढ़ते हैं। इसका खमियाजा छात्रों को उत्तर देने में भुगतना पड़ता है। यह गलती कोई छात्र नहीं बल्कि कई छात्र करते हैं। इसको देखते हुए फिर एक बार बिहार बोर्ड द्वारा सभी अभी से छात्रों को OMR शीट भरने के प्रति जागरूक किया जा रहे थे फ्रेंड। आप लोग यदि बोलेंगे तो हम आपको OMR शीट पूरा कि टोटली भर के दिखाएंगे फ्रेंड। यदि आप लोग 2-4-5 भी कमेंट आ जाते हैं ना तो हम वीडियो बना देंगे उसमें किस तरह से आपको OMR शीट भरना है। तो इस तरह से यहाँ पे निर्देश दिया गया है, हम देख सकते हैं। तो मैट्रिक व इंटर वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को निर्देश और OMR शीट भरने के प्रति जागरूक किया जा रहा है, ठीक है। और परीक्षा हॉल में ऐसा करते हैं छात्र, तो परीक्षा हॉल में क्या करते हैं ये देखिए। तो परीक्षा के दौरान वीक्षक द्वारा ऐसे OMR पकड़ने में आते हैं जिस पर व्हाइटनर ब्लेड का इस्तेमाल किया हुआ रहता है। राजधानी में कई परीक्षा केंद्रों पर उत्तर बदलने के लिए छात्र द्वारा ब्लेड इरेजर व्हाइटनर आदि का इस्तेमाल किया जाता है। नाम नहीं छापने की शर्त पर एक शिक्षक ने बताया कि छात्र छुपाकर अपने पास व्हाइटनर आदि रहते हैं, जब OMR शीट जमा होती है तो पता चलता है कि वही एक शिक्षक ने बताया कि इरेजर ब्लेड उत्तर को बदलते हैं। तो ये सब यहाँ पे लिखा गया है फ्रेंड, देख सकते हैं कि बहुत सारे ये गलती भोज हो जाते हैं यहाँ पे। तो टीचरों लोग भी यहाँ पे रिकमेंडेड करते हैं कि सर मतलब आप व्हाइटनर चला लीजिए, व्हाइटनर भी रखे रहते हैं। तो यहाँ पे कोई कोई यहाँ पे जो कि होता है ना प्रॉब्लम आ जाता है फ्रेंड। तो आपको जो कि ना जहाँ तक हो आप अच्छा तरीके से आपको OMR शीट भरना चाहिए जहाँ तक हो। देखिए गलती करना तो मनुष्य का स्वभाव है, गलती तो किसी न किसी से हो जाएगा फ्रेंड, लेकिन आपको जहाँ तक होगा आपको सही करना होगा फ्रेंड। यही था पूरा यहाँ पे निर्देश। तो कोई भी एग्जाम हो लेकिन इस तरह का यहाँ पे निर्देश रहता ही है फ्रेंड। तो मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।